Hello children, welcome to Ersama Education. Aaj hum kar rahe chapter Weathering the Storm in Ersama. Moments book grade 9 se. October 1999 mein cyclone aaya tha Odisha ke andar. Cyclone ek chakravat tufan hota hai jiski wajah se hazaron ki sankhya mein log mare gaye aur saikdon gaon tabah ho gaye. Aise tufan mein lagbhag do raatein Prashant ek hamara young ladka tha usne jo hai ghar ki chhat par guzar di. तीसरे दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने गांव वापस जाएगा. अब गांव में आके क्या उसको उसका परिवार मिल पाया या नहीं, इसको जानने के लिए हम अपनी स्टोरी पढ़ते हैं. 7 साल माँ की डेथ को हो चुके थे और प्रशांत जो है वो अपने जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स थे अरसामा के, यानी एक छोटा सा टाउन था कोस्टल उड़ीसा में, लगभग 18 किलोमीटर दूर उसके गाँव से, वहां पर अपने एक फ्रेंड के साथ दिन गुजारने आया हुआ था. और ये घटना 27 अक्टूबर 1999 की है. शाम का वक्त था, तेज हवाएं जैसे चलने लग गई. ऐसा लग रहा था जैसे मानो अंधेरा सा हो गया और कुछ तूफान सा आने वाला है. हवा बहुत तेज चल रही थी, इतनी तेज कि जैसे होता है ना घरों में खिड़कियां हिलने लग जाती हैं, बहुत तेज चल रही थी. और इस तरह का तूफान प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखा था. बारिश होने की वजह से चारों तरफ अंधेरा हो गया और जो बड़े बड़े पुराने पेड़ होते हैं वो तक जो है जमीन से उखड़ गए और गिरने लग गए. चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, चीख चिल्ला रहे थे लोग क्योंकि उनके जो चक्रवात था उसकी वजह से घर जो थे वो उड़ते जा रहे थे और हवा इतनी तेज चल रही थी, बारिश हो रही थी. जो पानी था वो उसके दोस्त के घर में भी आ गया था, इतना आ गया था पानी कि गले तक के जो है पानी आ गया था. जो उनकी बिल्डिंग थी वो ईंटों की और मोर्टार की बनी हुई थी, काफी स्ट्रॉन्ग थी कि वो इतनी जो तेज हवा चल रही है लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसकी तबाही को झेल सके. लेकिन फैमिली जो थी वो तब और ज्यादा घबरा गई जब पेड़ जो हैं वो उखड़कर उनके घर के ऊपर गिरे. और लगभग ये जो है रात मध्य रात्रि का वक्त होगा जिससे जो छत थी और जो दीवारें थी वो सब जो है एकदम से खराब हो गई, डैमेज हो गई. ये जो तबाही थी सच एक तो चक्रवात तूफान की वजह से और दूसरा जो ओशियन था उसमें जो लहरें उठ रही थी वो अगले 36 घंटे तक जो है बिल्कुल ऐसा ही माहौल रहा, जबकि जो हवा की गति थी वो जो है अगली सुबह तक थोड़ी कम हो गई थी. घर में जो पानी था वो तेजी से बढ़ रहा था जिसकी वजह से प्रशांत और उसका जो दोस्त का परिवार था उन्होंने जो शरण थी वो छत पर ले ली थी. प्रशांत ऐसे एक शॉक को भूल नहीं सकता जो उसने पहली बार एक्सपीरियंस किया था कि किस तरह से सुपर साइक्लोन की वजह से जो तबाही होती है और क्या तबाही हुई थी वो उसने जब अगली सुबह देखी उसको इतना तेज झटका लगा कि ऐसे अनुभव को वो कभी नहीं भूल सकता. चारों तरफ जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एक भूरे पानी की लेयर ने जो है सब कुछ ढक रखा है, जहां तक निगाह डालो सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था. कुछ टूटे हुए सीमेंट के मकान दिख रहे थे जो जगह जगह पे बच गए थे. जो एनिमल्स होते हैं उनके जो डेड बॉडीज होती हैं, ह्यूमन डेड बॉडीज जो हैं, चारों तरफ बहती हुई दिख रही थी. बड़े बड़े जो पुराने ट्रीज थे वो गिर गए थे. दो जो कोकोनट के पेड़ होते हैं वो उनकी छत पे आकर गिर गए थे घर के. बस कहने को यही एक तरह से उनकी भलाई थी, या उनको कह सकते हैं कि उनकी भलाई हुई क्योंकि जो कोकोनट थे जो ट्रीज से गिरे थे उनके घर में उससे वो जो फैमिली वहां फंसी हुई थी वो एटलीस्ट कुछ दिनों तक उस कोकोनट पर सरवाइव कर सकती थी. अगले 2 दिन तक प्रशांत जो है अपने फ्रेंड की जो फैमिली थी उसके साथ जो खुली छत थी उसमें बैठा हुआ था. ठंडक होने लग गई थी, वो लोग कांप रहे थे, बारिश ऊपर से हो रही थी और इतनी बारिश में जो प्रशांत के आंसू थे एक तरह से वो भी बह गए थे. अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि क्या उसकी फैमिली जो है इस सुपर साइक्लोन से बच पाई होगी. क्या उसको जैसे एक होता है ना अंदर से डर लगता है कि भाई कहीं मेरी फैमिली को तो कुछ नहीं हो गया होगा, वो यही सोच रहा था और इतने से उसको उसी चीज का सोच के काफी दुख हो रहा था. 2 दिन बाद प्रशांत को जो बिल्कुल 2 साल के जैसे लग रहे थे, बारिश रुक चुकी थी और जो पानी था वो भी जो है धीरे धीरे उतर रहा था. अब प्रशांत ने पूरा अपना मन बना लिया था कि वो अपनी बिना किसी देरी किए फैमिली की तलाश में निकलेगा. लेकिन जो हालात थे वो अभी भी जो है काफी खतरनाक थे और उनकी जो फ्रेंड की फैमिली थी उसने भी उनको रिक्वेस्ट करी कि प्रशांत अभी थोड़ा सा और यहीं पर रुक जाओ. लेकिन प्रशांत जानता था कि उसको जो है जाना है. उसने जो है अपने पास एक लंबी सी
थोड़ी सी टाइट सी स्टिक ली और फिर वो जो है 18 किलोमीटर की जो यात्रा थी अपने गांव की इस भरे हुए पानी से उसने सोचा कि मैं तय करूंगा। ये एक ऐसे सफर था जिसको वो कभी नहीं भूल सकता था। वो बार बार उस स्टिक का इस्तेमाल कर रहा था ताकि ये पता चल सके कि रोड कहाँ पर है या कहाँ पानी जो है वो कम गहराई में है। कई बार ऐसा भी हो रहा था कि कमर तक पानी था और इसी वजह से जो मूवमेंट था वो काफी धीमे धीमे हो रहा था। बहुत जगह उसे रोड नहीं दिखाई दे रही थी तो उसको तैरना पड़ रहा था। कुछ दूरी पर उसको थोड़ी सी तसल्ली हुई, जैसे जान में जान आती है, जब उसने अपने अंकल के दो फ्रेंड्स को देखा जो गांव की तरफ लौट रहे थे। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि वो सब के सब जो है एक साथ ही चलेंगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे पानी में से, उनके सामने जो दृश्य आ रहा था वो और भी ज्यादा भयावह था। उनको कई बार जो है ह्यूमन बॉडीज जिसमें बच्चे हैं, आदमी हैं, औरत हैं, या जो मरे हुए जानवर थे जिसमें कुत्ते हैं, बकरी हैं, ये जो आपके कैटल होता है, गाय भैंस वगैरह हैं, ये सब जो है उनको हटाना पड़ रहा था क्योंकि पानी के करंट में वो सब जो है बह बह के आ रहे थे। हर गांव से जिससे वो गुजर रहे थे उनको एक घर ऐसा नहीं दिखा जो सही सलामत या ठीक ठाक खड़ा हो। प्रशांत बहुत जोर से और देर तक रोता रहा। उसको पक्की उम्मीद थी कि उसकी फैमिली जो है इस तूफान को नहीं झेल पाई होगी। जैसे जैसे प्रशांत जो है अपने गांव पहुंचा कालीकुडा, उसका हार्ट जो है ना, दिल होता है, जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसकी फैमिली बची भी है या नहीं। जहाँ उनका मकान था अब वहां खाली जैसे छत के अवशेष ही दिखाई दे रहे थे। कुछ उनकी जो थोड़ी बहुत चीजें थी वो जैसे होते हैं ना पानी में बह जाती हैं तो कुछ पेड़ में अटक जाती हैं, ऐसी चीजें जो है उसको एक दो चीजें अपने घर की दिखाई दे रही थी। तो प्रशांत ने सोचा कि वो जो है रेड क्रॉस शेल्टर में जाएगा और वहां पर अपनी फैमिली को ढूंढेगा। सबसे पहले जो उसको भीड़ में दिखी वो उनकी मदर की साइड से जो ग्रैंड मदर थी, यानी कि जो उनकी नानी थी, वो दिखाई दी। भूख की वजह से बहुत दुर्बल हो गई थी और तब भी वो उसकी तरफ भागती हुई आई, जैसे होते ना खुली बाहें, आंखें भरी हुई, और चमत्कारी था ये क्योंकि उनके लिए भी ये एक तरह से चमत्कार था क्योंकि उन्होंने भी यही उम्मीद करी थी कि पता नहीं प्रशांत के साथ क्या हुआ होगा, पता नहीं वो बचा कि नहीं बचा। तो दोनों तरफ से ही ये थिंकिंग हो रही थी कि फैमिली का या प्रशांत का क्या हुआ होगा। एकदम से जो है जैसे होता है ना खबर फैल गई और उसके जितने भी परिवार के लोग थे सब उसके आसपास आ गए और सबने खूब एक दूसरे से गले मिले। तो प्रशांत जो है उसको मतलब इतनी तसल्ली हुई कि उसका जो एक परिवार था वो उसके सामने था, यानी उसके भाई, उसके बहन, उसके अंकल आंटी सब के सब जो है वहां पर मौजूद थे। अगली सुबह जो है जिस तरह के हालात थे जहां पर लोगों ने शरण ले रखी थी, उसने अपने आप को डिसाइड किया कि नहीं वो थोड़ा सा अपने ऊपर काबू पाएगा। और उसको जो है ये दिख रहा था कि इस शेल्टर के अंदर इतनी परेशानी हो रही है कि 2500 लोग जो है वो एक तरह से शरण लिए हुए हैं। 86 लोगों की जाने जा चुकी थी, 96 के करीब जो घर थे वो बह गए थे और ये जो है शरणार्थी जहाँ पर रुके हुए थे उसका चौथा दिन था। अभी तक तो वो लोग जो है हरे हरे जो कोकोनट्स होते हैं उस पर सर्वाइव कर रहे थे किसी तरह से, लेकिन अब जिस तरह से लोग थे वहां पर उसके हिसाब से बहुत कम चीजें थी जिसपे, या बहुत कम कोकोनट्स बचे थे जिसपे लोग जो है सर्वाइव कर सके। प्रशांत जिसकी उम्र सिर्फ 19 वर्ष की थी उसने सोचा कि मैं जो हूँ अब इस गांव का एक तरह से जिम्मा उठाता हूँ, मैं लीडर की तरह एक्ट करूंगा अगर कोई नहीं आता है मेरे साथ। उसने जो है कुछ लोगों जो यंग लोग थे उनका एक ग्रुप बनाया, एल्डर्स का ग्रुप बनाया और फिर मर्चेंट जो था उस पर जोर डाला कि वो जो है अपनी जो राइस है वो दे ताकि लोगों को मदद मिल सके। अब इस टाइम पे जो इनकी लीडर्स थे या जो लोग थे ये सक्सेसफुल हुए और खुशी खुशी लौट के आए जहां पर क्या कहते हैं पानी से उतर रहा था। जब ये लोग लौट के आए हैं तो इनके पास खाना था, पूरे शेल्टर में जितने लोग थे उनके लिए। कोई नहीं इस बात पे ध्यान दे रहा था कि जो राइस है वो खराब हो रही थी। जो पेड़ गिरे हुए थे उनकी टहनियों को इकट्ठा किया गया, आग जलाई गई जिस पर उन्होंने उस चावल को पकाया। पहली बार 4 दिन में ऐसा हुआ था कि साइक्लोन के जो सर्वाइवर्स थे यानी जो बचे हुए लोग थे वो अपने पेट को भर पाए थे। अब उसका अगली जो जिम्मेदारी थी वो ये थी कि एक यंग लोगों की टीम बनाई जाए ताकि जो शेल्टर जहाँ पे वो रुके हुए हैं वहां से गंदगी, जैसे टॉयलेट्स होती हैं वॉमिट हो गई या जो डेड बॉडीज है उन सबको जो है साफ किया जाए। साथ ही साथ जो लोग घायल हो गए हैं उनके जो जख्म हैं, जो उनकी हड्डियां वगैरह टूट गई है, फ्रैक्चर हो गए हैं, उन लोगों की केयर करी जाए।
पांचवें दिन जो है एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर जो है उस शेल्टर के ऊपर से उड़ा और वहां पर कुछ फूड पार्सल्स जो है वो गिराए। उसके बाद वो लौट कर नहीं आया। अब ये जो यंग टास्क की फोर्स थी, इन्होंने क्या किया, सारे खाली जो बर्तन होते हैं उनको शेल्टर से इकट्ठा किया। फिर उन्होंने बच्चों को बोला कि तुम जो हो अभी जो पानी उतर चुका है वहां पर सैंड में जाकर लेट जाओ और इस शेल्टर के चारों तरफ ही जो है लेट जाओ और जो खाली बर्तन है उन्हें अपने पेट के ऊपर रख लो ताकि जो हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरे उसे ये पता चल जाए कि तुम लोग हंग्री हो। और ये जो मैसेज था ये उसका वर्क कर गया। हेलीकॉप्टर जो है फिर उस शेल्टर के रेगुलर चक्कर लगा रहा था, बार बार खाना गिरा रहा था और जो जरूरत की चीजें हैं उनको गिरा रहा था। फिर प्रशांत ने देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं इस साइक्लोन की वजह से। उसने सबको इकट्ठा किया और एक पॉलिथीन शीट का जो है शेल्टर बनाया जहाँ पर उन बच्चों को रखा। जो विमेन थी उनको इन बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई, जबकि जो मेन थे वो लोग जो हैं और चीजें जो शेल्टर के लिए या खाने के लिए जो चीजें की जरूरत थी वो इकट्ठा करने में लग गए थे। जैसे जैसे हफ्ते गुजर जा रहे थे प्रशांत को एहसास हुआ कि जो लेडीज हैं या जो बच्चे हैं वो अपने दुख में जो है और ज्यादा घिरते जा रहे हैं। फिर उसने विमेन को कोशिश करी, उनको मनाया कि वो लोग जो हैं जो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है जो एक एनजीओ कंपनी ने स्टार्ट किया है उसमें काम करें। और बच्चों के लिए उसने जो है स्पोर्ट्स इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराया, क्योंकि उसको खुद को क्रिकेट खेलना पसंद था इसलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैच को ऑर्गेनाइज करवाया। प्रशांत और जो वॉलंटियर्स थे उनके साथ एंगेज करके उसने जो है जो विडो थी जो बच्चे थे उनको एक तरह से जो उनकी जिंदगी बिखर गई थी उसको फिर से समेटने में मदद करी। जो शुरुआत में गवर्नमेंट का प्लान था वो ये था कि ऑर्फन्स और विडोज के लिए जो है इंस्टीट्यूशंस को बना दिया जाए, लेकिन इसका काफी ज्यादा विरोध किया गया क्योंकि ऐसा मानना था कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो बच्चे होते हैं वो बड़े तो हो जाते हैं पर ना तो उनको प्यार मिलता है और जो विडोज होती हैं वो खुद जो है अकेलेपन और डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। तो प्रशांत का जो ग्रुप था वो ये मानता था कि जो ऑर्फन्स हैं या जो अनाथ हो गए बच्चे वो अपनी ही कम्युनिटी में फिर दोबारा सेटल हो, अब उनके जो परिवार हैं वो नए हो, यानी कि जिन बच्चों के परिवार नहीं है उनको बच्चों को परिवार मिल जाए, जिन परिवारों में से बच्चे नहीं है उनको बच्चे मिल जाए, तो एक तरह से दोनों की ही केयर हो जाएगी। लगभग 6 महीने गुजर चुके थे, ये जो सुपर साइक्लोन आया था इसकी तबाही को 6 महीने बीत चुके थे। प्रशांत की जो एक खुद की आत्मा घायल हो गई थी इस तरह का एक शॉकिंग एक्सपीरियंस को झेलने के बाद उसने उस चीज की कोई परवाह नहीं करी, क्योंकि अब ही उसको अपने दर्द का तो देखने का टाइम ही नहीं था ना उसको कोई इंटरेस्ट था। उसका सिर्फ इच्छा क्या थी कि जो विडोज हैं जो ऑर्फन बच्चे हैं जो गांव के उनकी तकलीफ जो है उससे उनको कैसे उबारा जाए, उसी में उसकी जो अपनी पेन था वो उसको भूल गया। तो ये थी हमारी स्टोरी, आपको अच्छी लगी समझ में आई सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। बाय।